देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। समय जगत द्वारा पूछे जाने पर स्वामी गणेशानंद जी ने चुनाव लड़ने की चर्चा की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मैं गौशाला के कार्य में लगा हुआ हूं। 108 गौशाला निर्माण के संकल्प को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। दीपावली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने का अनुरोध अवश्य किया है। कई राजनीतिक दल भी आग्रह कर रहे हैं, परंतु अभी मेरा चंदेरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जैसा कोई विचार नहीं है। गणेशानंद जी महाराज जी ने दीपक मिलन समारोह दिवाली के उपलक्ष्य में आज हम गणेशानंद जी से इस बात में चर्चा करते हैं। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम स्वामी गणेशानंद है। और आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? यहाँ पर गौशाला का निर्माण चल रहा है और मेरे बहुत सारे भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, जो गाय गौशाला से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जो है, तो दीपावली के दिन सबको अपने अपने घर में कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उस दिन समय नहीं मिलता है, इसलिए आज जो है सब कार्यकर्ताओं को एक दिन में बता देना भैया कि चलो अपन आज दीपक जला लेंगे गौशाला पे, तो दीपावली मिलन समारोह एक मैंने जो है सभी अपने जो गौशाला के कार्यकर्ता थे उनका यहाँ पर रखा था और वो कार्यकर्ता जो है सभी इकट्ठे हुए थे। अभी तो सब कार्यकर्ता चले गए हैं, आप ये देर से आए तो जो है, पर बाकी यहाँ लगभग 400-500 कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। कुछ कार्यकर्ता कुछ विषय भी रखा है आपको? जो कार्यकर्ताओं की मांग जितनी भी है वो तो सब अलग है ना, उनकी मांग है जो है, कोई कह रहा है निर्दलीय जो ना आप चुनाव लड़ो महाराज जी, टिकट का वो हुआ बहुत गड़बड़ हुआ, तो मेरा ऐसा कोई मेरी रुचि नहीं है। आपकी कोई रुचि? हाँ, मेरी कोई रुचि नहीं। वैसे मुझको पता भी था कि आपका मैसेज ऊपर तक कहा था कि भाजपा से आप ले रहे हैं, लेकिन ऊपर जो मैंने भोपाल बात की थी उसमें आपका नाम नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो संत हैं, वो ऐसा काम नहीं करें। मेरी कोई इसमें कोई रुचि नहीं है, मेरे को तो सपा वाले बसपा वाले सब ना सपाक्ष वाले और सब जो ना सभी लोग ना जो है क्या है, राजनीति में चुनाव लड़ो तो फिर एक पार्टी के बन करके रह जाते हैं, तो इसलिए जो है भक्तों की इच्छा है वो उनकी इच्छा है ना, अब उनको ना जो है तो भक्तों की इच्छा की पूर्ति है तो करना ना, अभी हमारा ऐसा कोई भाव नहीं। जिला ब्यूरो चीफ दुर्गेश राव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।